हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सबका हमारे चैनल यदुवंशी ब्लॉग में स्वागत है। और कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आराम से होंगे और आपका दिन शुभ हो। ये है हमारा नई सब्जी बनाने जा रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके। आज इसी की सब्जी बनाएंगे हम लोग। तो इसको गंवार फली बोलते हैं, कुछ लोग इसको बाबा की छियां बोलते हैं और कुछ लोग इसको रेवसा बोलते हैं और ऐसे इसके अलग अलग नाम हैं। हमारे यहाँ पे गंवार फली बोलते हैं। आप लोग बताइएगा इसको क्या बोलते हैं। आज इसी की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत टेस्टी होती, बहुत हेल्दी होती है इसकी रेसिपी। एक तो हरी सब्ज़ी में आता है और विटामिन्स, प्रोटीन सब इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है इसकी सब्ज़ी। और बनाएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इस सब्ज़ी की रेसिपी। इसको छोटा छोटा काटते हैं और आप लोग को पसंद आएगी, ज़रूर बना के देखिएगा। बहुत टेस्टी बनती है इसकी सब्ज़ी, ज़रूर आप लोग बनाइएगा। पूरा वीडियो देखिए, देखिए इसकी सब्ज़ी कैसे बनाते हैं और कमेंट्स में बताइएगा इसको आप लोग क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसको ऐसे कट करेंगे, ये ऐसे ऐसे इसका पतला पतला रेशा निकालेंगे। इसको काटने का तरीका होता, नहीं तो अगर ऐसे काट देंगे तो जो रेशे रहते हैं वो फिर खाने में आते हैं, फिर दांतों में फंस जाते हैं और खाते नहीं बनते। और जो इतनी बारीक कुछ एक पतली रहेगी जैसे ये, तो इसमें रेशे नहीं होते हैं। इसको ऐसे ही काट सकते हैं। और इसको एक और काटने का तरीका है, वो ऐसे करके, बहुत से लोग यूँ करके भी इसको करते हैं, ऐसे इसको छीलेंगे, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है। ऐसे एक साइड से ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर ऐसे, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है। ये फिर भी आसान है, ऐसे ऐसे चाकू से इस तरीके से निकाल देंगे तो ये आसान है उससे, और जल्दी भी हो जाता है। इससे टाइम नहीं है तो जल्दी जल्दी में ऐसे कर सकते हैं। तो ये तरीका है इसको काटने का। और आप लोग कैसे इसको काटते हैं, कैसे साफ़ करते हैं, पहले वाले तरीके से कि बाद वाले तरीके से, बताइएगा कमेंट्स करके। जल्दी जल्दी कट कर लेते हैं, फिर इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बनती है इसकी सब्ज़ी और बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आपके बच्चे भी जो ये हरी सब्ज़ियाँ नहीं खाना चाहते हैं वो भी ये सब्ज़ी बड़े शौक से खाएंगे। देखिए इतनी सारी में से इतनी निकली है, साफ करके रख ली है और देखिए कितना ये निकला है, इसमें से कचरा निकला इतना सारा और इतनी सी सब्ज़ी निकली है। चलिए इसको धोते हैं, फिर बना के दिखाते हैं इसकी रेसिपी आपको। गंवार फली की रेसिपी आपको बताते हैं। चलिए इसको धो लेते हैं और निकाल के रखेंगे। वही मेरी छोटी सी चलनी, छन्नी भी बोलते हैं इसको, आटा चालने वाली कि हम चलनी बोलते हैं इसको। भी दो तीन चार पानी धोएंगे। ये लास्ट पानी धो रहे हैं, अभी साफ़ हो गया है बिल्कुल। और इसको साफ़ करने में करीब आधा घंटा लग गया, इतनी सी सब्ज़ी इसमें बहुत टाइम जाता है इसको साफ़ करने में। इसलिए जब भी आपको बनाना है तो इसको पहले से ही आप साफ़ करके रख लीजिए, उसके बाद बनाइए। नहीं तो अगर तुरंत बनाने बैठे ना तो बहुत टाइम हो जाएगा, फिर खाना बनाने में भी लेट हो जाएगा। कढ़ाई रख दिए गर्म होने के लिए। इधर काट लिया है लहसुन, मिर्ची, जितना आपको तीखा खाना उसी हिसाब से हरी मिर्ची डालिए। आपको ज़्यादा खाना है तो आप लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग लाल मिर्ची नहीं खाते, सिर्फ हरी मिर्ची ही खाते हैं, इसलिए हरी मिर्ची डाला है। और ये बेसिक मसाले तड़के के लिए, ये भी पड़ेगा मेथी, सौंफ, जीरा और सरसों, अजवाइन। और ये सब्ज़ी धो के तैयार है। अब इसमें डाल देते हैं तेल। अब इसमें जाएगा, कढ़ाई में जाएगा तेल।
ऐसे से घुमा देते हैं, तेल गरम हो जाएगा, फिर ये लहसुन और मिर्ची पड़ेगी, फिर बेसिक मसाले पड़ेंगे, और जितने भी मसाले डाल रहे हैं हम, अजवाइन है, सौंफ है, मेथी है, सब गैस के लिए और सेहत के लिए बहुत अच्छा है, जिन जो गैस पेशेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, गैस नहीं बनाएगा। अभी गर्म हो गई है कढ़ाई, चटक रहे हैं मिर्चे, छींटे आ रहे हैं ऊपर, ये एक किनारे डाल देंगे सरसों, राई जिसको बोलते हैं, एक साइड में मेथी या अजवाइन, जीरा और ये सौंफ, सब भूनने देते हैं। सरसों चटकने लगी है और मेथी भी ब्राउन हो गई है, ज़्यादा नहीं जलाना है, बस गोल्डन ब्राउन करना है, क्योंकि तड़का का मसाला तैयार हो गया। इसमें डाल देंगे सब्जी, चलाएंगे, फ्लेम लो कर देंगे, ऐसे सब इकट्ठा करके इसको ढक देंगे। ऐसे इसको भूनेंगे, अब इसमें जाएंगे बेसिक मसाले, थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, और थोड़ा सा गरम मसाला, ऐसे चलाएंगे, ये मसाला कोट कर देंगे पूरी सब्जी पे। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको ऐसे छोड़ देंगे, ढक देंगे। और हाँ दोस्तों, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को देखा करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो देखिए। अगर आप लोग पसंद करेंगे तो नई नई और भी रेसिपी हम डालेंगे, एक अलग से अलग रेसिपी डालेंगे, अभी तो डेली यूज की ही डाल रहे हैं, आप लोगों का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, इसलिए नॉर्मल ही डेली यूज की ही रेसिपी डाल रहे हैं। आप लोग कमेंट करिए तो उसी हिसाब से रेसिपी डालेंगे, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, साथ दें और शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। देखिए इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और बिल्कुल धीमी आंच पर रखा हुआ है, बिल्कुल ज़रा सा पानी डाला है और इसी पानी को सूखने देंगे, इसमें इतने ही पानी में सब्जी गल के तैयार हो जाएगी। और इधर दाल चावल बन रहा है, और इधर आटा सान ले रहे हैं जल्दी जल्दी, सब्जी होने वाली ही है, बस 10 मिनट और लगेगा, तब तक आटा सान के तैयार कर लेते हैं। ये फाइनली रेडी है गवार की सब्जी, ये रोटी में घी, दाल में शुद्ध देसी घी। अब बताइए आप लोगों को आपको थाली कैसी लगी, आज की सब्जी कैसी लगी, गंवार फली की सब्जी, गंवार फली की सब्जी, दाल चावल रोटी, सिंपल सा खाना, साधारण सा खाना, मिडिल क्लास फैमिली का साधारण सा खाना है। आप लोग पसंद करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बताइए कैसी है आज की थाली। थैंक यू।